हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एचपी टेट जेबीटी ओब्लिक डीएलएड के जून 2020 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना है। करेक्ट आंसर रहेगा डी 7.4। नेक्स्ट है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस, जिसे कि सूखा रोग कहते हैं, की बीमारी होती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर स्थित है। तो ये है तशीगंग में, ऑप्शन बी, यानी कि लाहौल स्पीति में। तशीगंग है लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन सी सही रहेगा, राइबोफ्लेविन। इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से आपने इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। मैंने अपने इसी चैनल पे विटामिन की वीडियो डाली हुई है, जिसमें केमिकल नेम, इससे रिलेटेड जो जो रोग हैं, वो सब कुछ एक साथ एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो जिसने करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ना मिले तो आप जो है बता देना, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। सही आंसर रहेगा सी, अजमेर में। क्वेश्चन 127, रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष में किया गया था। तो सबसे पहले शिलान्यास जो होता है वो होता है 2010 में, ऑप्शन ए सही रहेगा। 128, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सही रहेगा डी, इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें से फ्रांस यहाँ पे दिया गया है, चीन दिया गया है, इंग्लैंड दिया गया है, और 2 बच जाते हैं, तो उनमें रहेगा रूस और अमेरिका। तो हो गए टोटल 5 प्लस 2 और हैं, रूस प्लस अमेरिका। तो ये 5 आपने याद रखना है, और ये जो जर्मन दिया गया है ये इसका सदस्य नहीं है। तो सही आंसर इसके लिए जो रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन है 129, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। करेक्ट आंसर रहेगा बी, टीवीआर टाटाचारी। तो हिमाचल प्रदेश से पहली बार कौन क्या क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। 2-3 आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप याद करते चलोगे तो आपको साथ साथ में होता रहेगा। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम प्रथम मुख्य आयुक्त, तो प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो थे एन सी मेहता, ये थे प्रथम मुख्य आयुक्त। अगर प्रथम उप मुख्य आयुक्त पूछा जाए, ये जो अभी करवाया आपको ये था मुख्य आयुक्त, अगर उप मुख्य आयुक्त पूछे जाए प्रथम कौन थे, तो वो थे ई पी मून। प्रथम मुख्यमंत्री वो आप सभी को ही पता होगा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। प्रथम उपराज्यपाल जनरल हिम्मत सिंह। प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, फिर से रिपीट कर रही हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा बताया। प्रथम मुख्यायुक्त थे NC मेहता, उप मुख्यायुक्त EP मून, उपराज्यपाल जनरल हिम्मत सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी, प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती और प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अलावा 5 ही एक्स्ट्रा बताए हैं, जिनको आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको बताए ही वो गए हैं जो मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अभी अब मैंने आपको बताया कि इसके 5 ही स्थायी सदस्य होते हैं,
जिनको हमने पीछे देख लिया कि कौन कौन से है, उसके अलावा से कुछ भी पूछा जाए तो सभी के सभी जो हैं वो स्थायी सदस्य हो गए। इसमें सिर्फ 5 ही स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें से आपका है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। तो पांचों आपने याद रखने हैं। फिर से बोल रही हूँ, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। बाकी इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर वो नहीं होगा, क्योंकि इसके सिर्फ 5 ही स्थायी सदस्य हैं। इसके बाहर अगर किसी का नाम पूछा जाए या इससे ज़्यादा आए, संख्या की कितनी है, तो आपने सीधा डायरेक्ट याद रखना है कि इसके सिर्फ 5 ही स्थायी सदस्य हैं और उन पांचों के नाम याद रखना। बाकी आपसे फिर कुछ मर्जी पूछे, वो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट रहेगा 131 कि सेल्सियस और फारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पूछा जाता है -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ है। सही आंसर रहेगा ए, राजस्थान में। हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है। तो हिमालय पर लाल छाया के लेखक हैं शांता कुमार। बाकी इनकी बहुत सी फेमस बुक है जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लस टेट में पूछी जाती हैं, तो जो बार बार पेपर में पूछी जाती है वो अब आपको बता देती हूँ। तो इनकी अन्य पुस्तक है, एक तो ये होगी हिमालय पर लाल छाया, रिपीटेड मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है ये भी, और हो गई लाजो, एक है राजनीति की शतरंज और कैदी, देशभक्ति स्वामी विवेकानंद, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। फिर से बोल रही हूँ, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछी जाती है, धरती है बलिदान की ये भी कई बार पेपरों में पूछी गई है, मृग तृष्णा हो गई, मन के मीत एवं ओ प्रवासी मीत मेरे, बाकी वृंदा, क्रांति अभी अधूरी है, विश्व विजेता विवेकानंद। तो ये सारी आपने याद रखनी है। इसमें से मेन जो थी वो आपने जरूर याद रखनी है, एक तो यही होगी हिमालय पर लाल छाया, एक है धरती है बलिदान की, एक है मृग तृष्णा, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे और राजनीति की शतरंज। ज़्यादा याद ना रहें तो एटलीस्ट इतनी तो आपने याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन है कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये हमेशा करंट का क्वेश्चन रहता है, तो आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, सॉरी भारत के। तो जरूर आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि करंट वाले क्वेश्चन पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, और जितने भी ये पहले हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ये पहले के हैं, उस टाइम की बात है, ये 2020 की, अभी चला है 24, तो आपने वर्तमान का बताना है, जो भी वर्तमान के होंगे आपने वो बताने हैं, ठीक है। इससे ऐसा है कि आप खुद सर्च करोगे या खुद आपको आता होगा तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में रहेगा, बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ पर पहले आप कमेंट करना, फिर मैं खुद भी डाल दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नेक्स्ट आंसर रहेगा डी, CaSO4H2। नेक्स्ट है जल स्थलचर कौन सा है। तो इनमें से जल स्थलचर जो है वो है मेंढक। 139, मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 140 कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था
अशोक ने, ऑप्शन ए। है कहाँ पे है सांची का स्तूप? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? तो ये है 78%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा कि चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? तो ये होता है जी सीमेंट में, ऑप्शन सी। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए बी, इरावती। मैं सारे के सारे ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि फिर इससे टाइम ही वेस्ट होता है और फिर कंफ्यूजन भी आपके मन में रह जाता है। अगर आप डायरेक्ट सुनोगे इरावती तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सीधा याद ये रह जाएगा। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो भी सुन लीजिए साथ में, कई पेपरों में वो भी पूछा जाता है, जरूरी नहीं यही पूछा जाएगा। तो वो रहेगा पुरुषनी, पुरुषनी, ठीक है। और वैदिक नाम तो हो गया पुरुषनी और संस्कृत नाम है इरावती। कन्फ्यूज़न तब होती है अगर पुरुषनी और इरावती एक साथ दे दी जाए। अगर सीधा पूछा जाए संस्कृत नाम, अगर यहाँ पे देखिए जैसे पूछा गया है तो विपाशा है, इरावती है, चंद्राभागा है और स्तुति है, तो इससे पता लग जाता है कि कौन सा किसका है। क्योंकि आपको पता ही है कि विपाशा जो रहता है हमारे पास वो है ब्यास नदी का, उसके बाद है इरावती रावी नदी का, चंद्राभागा चिनाब का, और ये जो स्तुति दिया गया है ये है सतलुज का। तो यहाँ से आपको फिर निकालने के लिए आसान रहता है कि सही कौन सा होगा। पर अगर पेपर में संस्कृत नाम पूछा जाए और दोनों ऑप्शन में होते इरावती और पुरुषनी तो फिर आप बीच में फंस सकते थे, इसलिए डायरेक्ट आपने याद रखना है कि कौन सा संस्कृत नाम है और कौन सा इसका जो है वो वैदिक नाम है। तो रावी की बात चली थी, तो रावी नदी निकलती कहाँ है, कहाँ से है? तो ये बड़ा बंगाल जिला कांगड़ा से जो है वो बादल और तांतकरी नामक हिमखंडों के द्वारा संयुक्त रूप से बनती है। इसकी सहायक नदियाँ पेपरों में पूछी जाती है तो वो रहेंगी बादल, सीउल, बैरा, तांतकिरी, चिरचिंद नाला, बुडिल, छत्राणी, साल, बलजेड़ी, मंगला, तुंडहा, चनेरखड, कुगती। तो ये सारी आपने याद रखनी है। सबसे ज़्यादा बार पेपरों में पूछी जाती है बुडिल की, बुडिल किसकी सहायक है? तो वो है रावी की। और हिमाचल प्रदेश में यह 158 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है। चंबा शहर इसके दाएं किनारे पर स्थित है। और पूछा जाता है कि कहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है? तो यह खेरी नामक स्थान पर चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। फिर से सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश में जो है ये खेरी नामक स्थान पर छोड़ देती है और जम्मू कश्मीर में जाती है। तो ढंग से सुन लेना कि खेरी नामक स्थान पर यह चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, क्योंकि ये चंबा में बहती है, तो चंबा के खेरी नामक स्थान पे जो है वो ये चंबा छोड़ देती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन में कई बार होता है ये वाला क्वेश्चन भी कि बताओ कि कौन से स्थान में चंबा या हिमाचल प्रदेश के छोड़ के जो है वो अन्य राज्य में चली जाती है, तो वो स्थान रहेगा खेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विशाल विद्रोह डैश डैश से शुरू हुआ था, ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए मेरठ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए 22 अप्रैल। अगर 22 मार्च पूछा जाए तो 22 मार्च को होता है जल दिवस और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। फिर से सुन लीजिए, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मार्च जल दिवस। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? तो वो रहेगी डिक्की डोरमा, ऑप्शन सी। है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, मतलब आर्टिफिशियल लेक। ये झील जो है जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ये मैन मेड झील के नाम से भी जानी जाती है। तो आपने याद रखना है कि प्राकृतिक हुई जो प्रकृति के द्वारा बनी होती है और कृत्रिम हुई जो कि जिसका निर्माण खुद बांध बना के जो है वो होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, गोविंद सागर झील।
ये हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसकी लंबाई 88 किलोमीटर एवं क्षेत्रफल जो है इसका 168 किलो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। भाखड़ा बांध जो है वो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही जेड़े का सुमेल कीजिए, सॉरी जोड़े का सुमेल कीजिए। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा, इनमें से पूछा है कि कौन सी खिलाड़ी जो है कौन से खेल से जुड़ी हुई है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा ए, कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलन से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो वो थे ऑप्शन ए जी वी मावलंकर। तो इस वाली वीडियो में हमने एक पेपर का जीके पार्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है। ऐसे ही आपको डे बाय डे जो है वो नेक्स्ट पेपर भी यहाँ पे सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी प्रकार आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी हर पार्ट जो है यहाँ पर इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की बताया जाएगा, और उसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको साथ में करवा दिया जाएगा। थैंक यू।